बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2018। खबरों की शुरुआत करते हैं अच्छी बात के साथ। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, ये कहा है गौतम बुद्ध ने। क्या कुछ होगा खास आज के भाव, देश विदेश, प्रदेश, बॉलीवुड, व्यापार, टेक्नोलॉजी, खबरें होंगी, कैरियर की बात होगी। आज के भाव आप स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं। ये है आज के भाव दिल्ली और लखनऊ के सोना चांदी, LPG, पेट्रोल, डीजल के। तो यहाँ पहली खबर निकल कर आ रही है उमा भारती की तरफ से, कि उमा भारती ने घोषणा कर दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2019 में होने वाला है उसमें वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि अगले 1.5 साल तक गंगा सफाई और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज ने भी चुनाव न लड़ने की बात कही थी। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आती है 2019 IPL के पहले दिल्ली डेयर डेवल्स ने अपना नाम बदल लिया है और अब दिल्ली डेयर डेवल्स का नाम हो गया है दिल्ली कैपिटल्स। तो आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आती है व्हाट्सएप की तरफ से, कि व्हाट्सएप में आपको जल्द ही डार्क मोड मिल सकता है, क्योंकि डार्क मोड जैसे आपको यूट्यूब में भी डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, और दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में इसको जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आँखों में कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप काम कर सकें। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आती है संसद में शीतकालीन सत्र से पहले वेंकैया ने 10 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले 10 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 11 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो पबजी ने गूगल प्ले स्टोर पर जीते बेस्ट गेम ऑफ 2018 के 3 अवार्ड जीते हैं। इसे बेस्ट गेम 2018 यूजर्स चॉइस गेम 2018 मोस्ट कॉम्पिटिटिव एप्स में शामिल किया गया है। 10 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं प्ले स्टोर पर। आगे खबर की तरफ बात करते हैं तो व्हाट्सएप ने फेक न्यूज़ से निपटने के लिए शुरू किया पहला TV कैंपेन। व्हाट्सएप ने 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले फेक न्यूज़ से निपटने के लिए भारत में अपना पहला TV कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत असल अनुभव पर आधारित 60-60 सेकंड तक के लंबे 3 विज्ञापन होंगे, जिनमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैली खतरनाक अफवाहों के बारे में दिखाया जाएगा। ये विज्ञापन TV, यूट्यूब और फेसबुक पर 9 भाषाओं में दिखाए जाएंगे। आगे खबर तरफ बढ़ते हैं तो ये स्पेस एक्स की तरफ से आ रही है, जहाँ स्पेस एक्स ने एक ही बार में लॉन्च किए 64 सैटेलाइट, US में बनाया रिकॉर्ड। तो एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस एक्स ने सोमवार को फैल्कॉन 9 रॉकेट की मदद से एक ही बार में सफलतापूर्वक 64 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो अमेरिका में एक रिकॉर्ड बन गया है। यह 2018 में स्पेस एक्स का 19वां लॉन्च था, जो पिछले वर्ष एक अधिक है। दरअसल एक बार में सर्वाधिक 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड इसरो के पास है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, मिड डे मील योजना का ऑनलाइन लिंक न बनाने पर दिल्ली व 5 राज्यों को फाइन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन लिंक नहीं बनाने पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और जम्मू कश्मीर पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। दिल्ली पर भी 2 लाख का जुर्माना लगा गया है। याचिकाकर्ता ने बताया था, योजना का जरूरी ढांचा और निगरानी नहीं होने के चलते छात्र के स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बुलंदशहर हिंसा को लेकर आ रही है, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हालात को शांतिपूर्ण बनाने की बात कही है सरकार ने। ADG कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि बुलंदशहर में अवैध बूचड़ खाने को लेकर हुई हिंसा के मामले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इलाके में हालात सामान्य है। कुमार की माने तो आरोपियों को पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं भेजना चाहती। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये कोयरा की तरफ से आ रही है कि हैकर्स की 10 करोड़ यूजर्स की डिटेल चुराई जा चुकी है। हैकर्स द्वारा सवाल जवाब की सुविधा देने वाली वेबसाइट क्योरा ने बताया कि उसे पिछले हफ्ते करीब 10 करोड़ यूजर्स का डेटा हैक होने की जानकारी मिली थी। इसकी संभवतः यूजर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, इंक्रिप्शन पासवर्ड, लिंक, नेटवर्क, इंपोर्ट डेटा जैसी जानकारियां प्रभावित हुई हैं। CEO एडम डी एंजलो ने बताया कि इसकी वजह से होने वाली असुविधाओं के लिए हमें खेद है।
आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये खबर आती है, इकोनॉमी क्लास में अधिकतर यात्रियों को मुफ्त खाना नहीं देगी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ने बताया कि वह घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी सेवर और इकोनॉमी क्लासिकल में यात्रियों को मुफ्त खाना देना बंद करेगी। यह 21 दिसंबर को बुक होने वाले टिकट और 7 जनवरी से होने वाली यात्राओं पर लागू होगा। इससे पहले 28 सितंबर को कंपनी ने इकोनॉमी लाइट और इकोनॉमी डील में यात्रियों को मुफ्त खाना देना बंद कर चुकी है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, 18 लाख से अधिक पंजीकृत कंपनियों में से 11 लाख कंपनियां ही है सक्रिय। ये आंकड़े निकल गया है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने, उन्होंने बताया कि 18.10 लाख पंजीकृत कंपनियों में से 11.16 लाख कंपनियां ही सक्रिय हैं। कुल कंपनियों में से 6.46 लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जबकि 39,736 कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सक्रिय कंपनियों में सर्वाधिक 3.57 लाख कंपनियां सेवा क्षेत्र की हैं। आए खबर की तरफ बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। ये लखनऊ से खबर आ रही है, जहां सोमवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता प्रत्यांश मणि त्रिपाठी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। त्रिपाठी को अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। SSP कलानिधि नेथानी ने के निलंबन की मांग की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक त्रिपाठी ने नेथानी की सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज की इस वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।